नमस्कार आप सभी का, मैं हूं कमल खोरवाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक और नई वीडियो। इस नई वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रोटिस्टा के कंज्यूमर डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स को लर्न करने की लर्निंग ट्रिक लाइन। जो आपको ये स्क्वायर में दिख रहा है ना, इस चीज की लर्निंग ट्रिक लाइन में बताने वाला हूँ आज आपको। तो आज का जो ट्रिक वाला टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है ये प्रोटिस्टा के कुछ कंज्यूमर डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स की लर्निंग ट्रिक लाइन है। जो एग्जांपल्स है, पहला है सेलुलर स्लाइम मोड्स और सेकंड है असेलुलर स्लाइम मोड्स। तो जानते हैं हम इन चीज़ों के बारे में कि इसकी लर्निंग ट्रिक लाइन क्या है। तो आज की जो लर्निंग ट्रिक लाइन है, वो लर्निंग ट्रिक लाइन बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से, जिन लोगों ने मुझे कमेंट करके प्रीवियस वीडियो के अंदर ये पूछा कि आप हमें एम्फीबिया, एबिस और मैमेलिया, रेप्टिलिया की लर्निंग ट्रिक लाइन बताइए हमें, तो उसमें से मैंने ओनली एम्फीबिया की बताई है आपको। कल जो अपलोड करी थी मैंने, वो एम्फीबिया की लर्निंग ट्रिक लाइन अपलोड की थी। वो इसलिए क्योंकि आपने बोला कि हमें ये लर्निंग ट्रिक लाइन चाहिए, मतलब कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबिस और मैमेलिया की चाहिए, तो मैंने उसमें सेलेक्ट करा एम्फीबिया को। और बाकी की पहले की, इससे एम्फीबिया से पहले के जो क्लासेस है, इसके मैंने पहले ही लर्निंग ट्रिक लाइन बता चुका हूँ मैं। और बाकी जो आप बोल रहे हो रेप्टिलिया, एबिस और मैमेलिया की लर्निंग ट्रिक लाइन भी हमें बता दीजिए। तो सीधी सी बात यह है कि आप में से कौन नहीं जानता रेप्टिलिया के एग्जाम्पल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ये कौन नहीं जानता, स्नैक्स वगैरह, कोबरा, नाजानाजा, ये कौन नहीं जानता आप में से। कितने लोग हैं जो ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में नहीं जानते। बिल्कुल ईजी चीज़ है, ये तो आपको ईजिली लर्न होनी चाहिए, इसमें लर्निंग ट्रिक लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से एबिस और मेमिलिया के बारे में कोई लर्निंग ट्रिक लाइन की ज़रूरत नहीं है। जैसे रेप्टिलिया, एबिस और मेमिलिया है, तो इनके बारे में आप अच्छे से लर्न कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप एनसीईआरटी की बुक में से उन एग्जाम्पल्स को वहीं से डायरेक्ट लर्न कीजिए बिना लर्निंग ट्रिक लाइन के, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है। तो आज की लर्निंग ट्रिक लाइन की तरफ चलते हैं आज हम। तो आज की जो लर्निंग ट्रिक लाइन है, वो लर्निंग ट्रिक लाइन है पैरोडी इन एसी मोल। पैरोडी इन एसी मोल, जो पैरोडी इन एसी मोल जो लाइन है, इसको बताता हूँ मैं आगे आपको कैसे लर्न करना है इनके एग्जाम्पल्स को इस चीज के अंदर। और अब मैं बताने वाला हूँ आपको उस लर्निंग ट्रिक लाइन से एग्जाम्पल्स को कैसे लर्न करें। तो वो तरीका ही है, जैसे कि पैरोडी इन एसी मोल, ये पूरी लाइन मैंने लिखी है और उसके नीचे एरो करके बताया मैंने कि किसको मैंने क्या कहा है। जैसे कि परो से है अपना नाम प्रोटिस्टा, मतलब ये प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स की बात हो रही है। अब प्रोटिस्टा के अंदर किस चीज़ की है, डी ई, लास्ट में जो डी ई आ रहा है उससे याद करेंगे अपन डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। तो इससे अपन को याद होता है प्रोटिस्टा के डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म है। और नीचे लेफ्ट लाइन में अपना आता है ए फॉर एसेलुलर और सी फॉर सेलुलर, और मोल से मोल्ट्स, मतलब अपन डायरेक्टली लर्न करेंगे इसको सेलुलर एंड असेलुलर स्लाइम मोल्ट्स। तो यहाँ पर अपने दोनों एग्जाम्पल्स भी लर्न होते हैं, और यही पता चल गया हमको कि किसका एग्जाम्पल है और किस ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। प्रोटिस्टा के डिकम्पोजर या कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स है सेलुलर और असेलुलर स्लाइम मोल्ट्स। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी वीडियो, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बिल्कुल करना और शेयर करना हमारी वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ आप अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, जहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पे आप शेयर कर सको, प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।